ये शर्मीली है, छोटे होने के कारण या पुराने बुरे अनुभवों के वजह से इसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। आज हम इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर काम करेंगे। अगर आपका डॉग भी शर्मीली की तरह बच्चों से घबराता है तो हम उन्हें आदर डालने के लिए सीधे बच्चों की भीड़ में नहीं छोड़ देंगे। शुरुआत में हम उन्हें अंश जैसे शांत बच्चों से अकेले मिलवाएंगे। ध्यान रखिए कि आपके कुत्ते ने इस दौरान लीश पहनी हुई है। पहले मैं अंश को शर्मीली के लिए ट्रीट्स दूंगी। There you go. Nice. इसके बाद अंश शर्मीली से थोड़ा दूर खड़े होकर उसे ट्रीट्स देगा। अंश शर्मीली को ट्रीट्स दो। Good. Again. अंश ये कुछ समय तक दोहराता रहेगा जब तक शर्मीली को इसके ऊपर भरोसा ना हो जाए। With positivity. There you go. मैं अंश को उसकी जगह से हिलने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शर्मीली उसके ओर जाए। ये करने से शर्मीली को इस प्रक्रिया में कोई भी जबरदस्ती महसूस नहीं होगी। इससे वो कंफर्टेबल भी रहेगी और शांत रहने पर उसे ट्रीट्स मिलेंगे। अगर उसे लंबे लोगों या आदमियों से डर लगता है तो उन्हीं लोगों को उसे ट्रीट्स देना चाहिए। पहले दिन के लिए इतना ही काफी है। जरूरी नहीं है कि ये पहले दिन ही दोस्त बन जाए। इस प्रक्रिया को कभी भी जल्दबाजी में ना करें, बल्कि अपना समय लेके करिए। जैसे शर्मिली और कंफर्टेबल हो जाए मैं उसे अंश के और करीब जाने दूंगी। इस दौरान भी मैं उसे लीश पर ही रखूंगी। Go ahead and throw one right here. हम धीरे धीरे ट्रीट्स को और करीब फेंकते जाएंगे जब तक शर्मिली इससे कंफर्टेबल ना हो जाए। There you go. और थोड़ा नजदीक। There you go. कुछ कुत्तों को ये करने में हफ्ते लग जाते हैं। कुछ समय बाद अंश उसे हाथ से ही ट्रीट्स खिला सकता है, जिसके बाद वो उसे पेट भी कर सकता है। If your dog is nervous, अगर आपके डॉग को ट्रैफिक से डर लगता है तो प्रक्रिया लगभग समान है। हम घर के नजदीक या ट्रैफिक से कुछ ही दूर कोई सुरक्षित जगह में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। शुरुआत के लिए ऐसी जगह चुने जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक ना हो, फिर धीरे धीरे ज्यादा ट्रैफिक वाले जगह पे ट्रेनिंग करें। ऐसी जगह पे शुरू करें जहाँ पे वो ट्रैफिक सुन पाए और देख पाए, लेकिन ज्यादा घबराए नहीं। कुछ बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप धीरे धीरे ट्रैफिक की ओर बढ़िए। कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर ही आपका डॉग शांत हो जाएगा और ट्रैफिक से भी नहीं डरेगा। धीरे धीरे रास्तों पे भी वो आराम से चलने लगेगा। अगर आपका कुत्ता दूसरे कुत्ते से घबराता है तो ये तरीका तब भी काम आएगा, बस उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। इससे जरूरी नहीं है कि वो उनके दोस्त बन जाए, लेकिन उनके सामने वो शांत रहेंगे। चाहे आपका कुत्ता बच्चों से या वैक्यूम क्लीनर से डरता हो, ये तरीका अपनाने से आप उन्हें शांत रख सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। Oh my god, I can't talk.